हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटेल। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में इस बात के लिए, क्योंकि टैरो करंट एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है। तो देखते हैं कि इस सितंबर मंथ में कौन आपकी तरफ आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। कोई पुराना पर्सन है, कोई नई एंट्री है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, जो भी हो रहा है, जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। विश्वास रखना है, विश्वास खुद पर रखना है, यूनिवर्स पर रखना है और उस प्यार पर रखना है जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं। लवर्स हैं एंड फाइव ऑफ पेंटिकल। काफी परफेक्ट रीडिंग है, लगता है कुछ लोग के मन में जो सवाल थे वो आज क्लियर हो के ही रहेंगे। मैजिशियन की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही थी, यस डेथ का कार्ड भी फील हो रहा था। मैजिशियन एंड डेथ का कार्ड मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा था और वही एनर्जी है, वही गल गया है। सिर्फ क्या है कि जो इंट्यूशन है हमारे, उसको प्रूफ देने के लिए कार्ड्स की ज़रूरत थी, बस वही है। कार्ड्स आए हैं, बॉटम डेक है, डेथ की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, द लवर्स हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, टेन ऑफ कप्स, जस्टिस, द स्टार एंड द मैजिशियन। मेजर अरकानास भी आए उतने ही और माइनर अरकानास भी हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैसे मैंने रीडिंग की शुरुआत ही की थी कि जिस प्यार पे आपको भरोसा है, उस प्यार के भरोसा रखिए, न्याय आपके साथ ज़रूर होगा। तो मुझे ये फील हो रहा है कि यस, कोई पुरानी पर्सन के लिए, अगर आप किसी नए पर्सन की उम्मीद रख रहे थे तो सो सॉरी, क्योंकि सितंबर की एनर्जी में कई पुराने पर्सन की एनर्जी नहीं, नए पर्सन की ही एनर्जी नज़र आ रही है। सॉरी, नए पर्सन की नहीं, कोई पुराने पर्सन की ही एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा पर्सन जिनके साथ आपका गहरा रिश्ता है, बहुत खूबसूरत प्यार की एनर्जी, और ऐसा लगा ना कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। और इस इंसान के बगैर जैसे आप किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाए। कितना वक्त गुजर गया, कितने मौसम आए गए, सब चीज़ें, बट समहाउ इस इंसान के ऊपर आपकी एनर्जी, जो आपकी जो इच्छा है, जो आपका प्यार है, बस वही टिका रहा। हालांकि आपने अपनी पहल रखने की कोशिश की, बहुत कुछ किया अपने इस रिश्ते के लिए, लेकिन शायद आपको बदले में वो नहीं मिला जो जैसे चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई कमिटमेंट दे रिगार्डिंग शादी हो या इजहार भी करे। बट ऐसा है, ये ना प्यार इतना खूबसूरत है और रिश्ता इतना मजबूत और डिवाइन की एनर्जी है। बेसिकली ये जो रिश्ता है, ये जो प्यार है आपको जो मिला है, वो यूनिवर्स ने आपके लिए खास चुना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप में ना बदल ही नहीं रही थी। आप ना अपने आप को नहीं देख रहे थे, अपनी गोल्स, अपनी हैप्पीनेस, अपनी सोल की जर्नी, उसको देख ही नहीं पा रहे थे, उनसे पहले भी और उनके बाद भी। तो पहले तो आपको इतना सॉरी फॉर द पावर कट, यहाँ पे होता रहता है। तो पहले भी था कि आपने इतना अपने गोल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि एग्जैक्टली आपकी सोल जर्नी, आपका दिल क्या कहता है। और इनसे मिलने के बाद, प्यार होने के बाद, जो खूबसूरती और जो एनर्जी आपने फील की, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि यही चाहिए। और उसके चक्कर में पहले तो आप बहुत नाराज़ हुए, दुखी हो गए, इनके पीछे पड़े, उनको रोना धोना सब कुछ किया, खुद को आइसोलेट किया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस बीच में इनका कहीं आता पता नहीं था। पॉसिबल है कि इन्होंने आपको एक रॉन्ग वर्क पे छोड़ा था। एक कहते ना कि एक रिश्ता काफ़ी बहुत एक डिस्टेंस पे जाने के बाद, बहुत बहुत कुछ होने के बाद छोड़ा था, या फिर ऐसे वक्त में छोड़ा था जब आपको उनकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ मुकाम आया है रिसेंटली, रिसेंट इन टू इयर्स ऐसा हुआ था कि आपकी किसी अपने को खोया हो और तभी भी ये इंसान आपके आसपास नहीं था। शायद सिचुएशन नो कांटेक्ट ब्लॉक थी, क्योंकि ना यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ना कि इनको पता ही नहीं था कि आपके साथ इतना कुछ हुआ है,
इतना कुछ हुआ है, क्योंकि भले कितना भी ये इंसान आपसे दूर है या डिस्कनेक्टेड है या अपना इजहार नहीं कर रहे, कमिटमेंट दे रहे, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं और किसी इतने मुश्किल वक्त में आपको स्पेशली एकदम जो एकदम बहुत क्रिटिकल स्टेज में आपको नहीं छोड़ सकते थे, बट इनको शायद पता ही नहीं हो कि ये सब आपके साथ हुआ है। तो आपको ऐसा लगा ना कि इस इंसान, ये इंसान आपको भूल ही गया, ये इंसान ने आपको इग्नोर किया था, लिटरली फील हुआ, लिटरली ऐसा ही था कि धोखा दिया और वो किसी और के लिए हो सकता है। पॉसिबल है कि इन्होंने आपको जो कमिटमेंट नहीं दी है या जो बात नहीं मान रही, पेरेंट्स हो सकते हैं कि इनकी फैमिली नहीं मान रही, इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर ऐसा भी है, या तो ये पर्सन मैरिड है, या पर्सन मैरिड है, मेल फीमेल जो भी है मैरिड है, वो भी हो सकता है। तो राइट नाउ ऐसे चीज़ें चल रही है ना कि इनके लाइफ में बहुत कुछ मंगे हैं, जो भी हो रहा है उनकी, जैसे ना एक विश फुलफिलमेंट, उन्होंने कुछ सोचा था अपनी लाइफ के लिए, वो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि फाइनेंशियल लॉस बहुत है, किसी पर्सन से, किसी इंसान से, हो सकता है इवन दोस्त भी हो, उनसे धोखा मिला हुआ है। लीगल सिचुएशन की भी एनर्जी हो सकता है कि फैमिली का कोर्ट केस चल रहा है, जैसे कि पॉसिबल है कुछ लोगों के में डिवोर्स केसेस है या कुछ लोगों में प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस है, फैमिली में वो चल रहा है। और ये इंसान जो आपके पास आ रहा है ना, उनके साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता, बहुत वो यूनिक है, आपको पता है कि वो वही है। और ये इंसान ने काफ़ी ज़्यादा एक लंबा टाइम तक नो कॉन्टैक्ट जोन या एक आइसोलेशन जोन बना के रखा है, आपके साथ दूरी बना के रखी है, या फिर मतलब बात भी हो रही है ना तो एक आपको ना डिस्कनेक्ट सा फील हुआ है, वो प्यार का इजहार, वो प्यार की बातें, वो जो अंदाज है उनका, वो काफ़ी हद तक मिसिंग था। आपको ऐसा लगा ना कि ये इंसान पहले जिस था, जैसे रिलेशन में था, वो इंसान जैसे बदल ही गया। अभी वो इंसान काफ़ी ज़्यादा बदल तो गए हैं, क्योंकि लाइफ ने इनको बहुत कुछ सिखाया है, सिखा रही है इनफैक्ट। अभी कुछ लोग एक्चुअली मतलब नहीं सिखा रहे, बस ये है ना कि लड़कियां तो ऐसी ही होते और लड़के तो ऐसे ही होते, इतना तक छोड़ देते हैं उनके साथ जो भी हो रहा है, कि किसी पे विश्वास नहीं रखना चाहिए, सब दोस्त भी विश्वासघात की होते हैं या नॉन रिलायबल होते हैं, ये है वो है। पर इस बीच में उनको एक रियलाइजेशन है कि एक इंसान था मेरे साथ, वो हमेशा से मेरे साथ था, हर हालात में था, विश्वास 100%, प्यार उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनकंडीशनल। ऐसे इंसान से दूर होकर मैंने पाया ही क्या है, वो समझ में आता। सो पॉसिबल है कि ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो उनका प्यार उनको वापस चाहिए। इन्होंने आपको इग्नोर किया था, आप कुछ कहते रहे, आप कुछ मांगते रहे, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया। शायद आपसे झगड़ा किया हो, शायद आपको अचानक से घोस्ट किया हो, लेकिन अचानक से एकदम गायब, वो चीज़ है। तो अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत याद कर रहे हैं, और जल्द ही वापस आने के चांसेस हैं। और ये होगा एक तो 9-10 पोर्टल की बात हो सकता है, दूसरी चीज़ है कि मिड सितंबर के बाद हलचल शुरू होगी। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये इंसान आ रहे हैं वापस, लौट के आप ही के पास आ रहे हैं, क्योंकि ये इनकी भी खास इच्छा है कि यस आपके साथ है तो खुशियाँ भी है, एक इमोशनल हैप्पीनेस भी है, एक होम कमिंग फीलिंग भी है, अकेले होने का डर सा नहीं लगता, कोई धोखा देगा ऐसा फील नहीं होता, और बस आप चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खुशियाँ मिसिंग है, स्टेबिलिटी मिसिंग है, इमोशनल हैप्पीनेस मिसिंग है, और है ना भीड़ में तनाव वाली एनर्जी, इतने सारे लोग आसपास है लेकिन अपना सा कोई नहीं लगता, एकदम गारंटेड यस दिस इज़ द पर्सन वाली चीज़ हो, फिर वो कोई भी हो वही नहीं लग रहा। सो काफ़ी ज़्यादा बदले इनके अंदाज हैं, और स्पेशली आप में हुए बदलाव उनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप है ना निखर रहे हो, जो भी आपका एज है, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल आप जो भी हो, आप में बदलाव है, आप में अलग ही एनर्जी है, और वो मैग्नेटिक पुल दे रही है। अगर आपने अपने कर्मा को समझा है,
कि सिर्फ रोते धोते बैठना है, उनको गाली गलौज करना है, उनको गलत समझना है, यही सब करते नहीं बैठ के। अगर आपने अपने लिए काम किया है, अपनी ग्रूमिंग हो, अपनी सेल्फ वर्थ को ढूंढना हो, अपनी पैशन को फॉलो करना हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन इस कदर आ रहे हैं कि आपको देखते ही जैसे ना शौक में है। शायद रिसेंटली आपकी मुलाकात भी हुई हो, लेकिन ये अभी ना एक स्ट्रॉन्ग बातचीत के लिए आ रहे हैं कि आपने आपकी ज़िंदगी में उस रिश्ते में लौट के आना चाहते हैं, वैसी एनर्जी है। देखते हैं कि यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। न्यू लव, यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस कुड बी द वन ट्रांसफॉर्मेशन है कि एनर्जी है। ये इस कदर लौट रहे ना जैसे कि सब कुछ जैसे नया है। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, एंड कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, सो यस दिस कुड बी द वन। ये इंसान जिस तरह से आ रहे हैं ना, एक नई एनर्जी लेके आ रहे हैं, एक पूरी तरह नया इंसान बदल के आ रहे हैं। हालांकि उनमें बहुत सारी हीलिंग बाकी है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ना कि ये लाइफ के लेसन को ना बहुत अलग तरीके से भी ले चुके हैं शायद, क्योंकि बस ये लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोग वैसे ही होते हैं। इन्होंने अपने आप को कम समझा है। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल है, क्योंकि आप बदल रहे हो, क्योंकि उनको जैसे चाहिए था ना वो पर्सन। अभी आप परफेक्ट हो, पहले आप में सिर्फ प्यार ही प्यार था, लेकिन अभी आप में समझदारी है, पेशेंस है, आप में एक सूझबूझ है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और वो स्टेबिलिटी चाहते थे हमेशा से, तो शायद ये इन्होंने समझा ही नहीं कि आप में वो आखिर चाहते क्या हैं। जाने अनजाने में यूनिवर्स ने आप में वो चेंजेस कर दिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस कर दिए हैं जो उनको चाहिए। बस उसके लिए इनका मैग्नेटिक पुल जो आपकी तरफ है वो बढ़ रहा है। तो इनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ऑफकोर्स कुछ जो है वो अधूरा सा है, वो पूरा इस लाइफ में तो होना ही है, एक नई शुरुआत करने आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल लॉस ये बहुत ज़्यादा सह रहे हैं, और इस वक्त पता है कि आपको कि दुनिया कैसे बिहेव करती है, तो इनको ऐसा इमोशनल सपोर्ट चाहिए ना जो उनको समझे, उनको साथ दे, उनको उभरने में हेल्प करे। आप सोचेंगे कि अभी हमारी हमसे ही कुछ लेंगे, अभी वापस ऐसा कुछ करेंगे, तो चांसेस तभी हैं जब आप कैसा बिहेव करते हैं। जितना आप स्टेबल रहेंगे, उतना ही वो पर्सन आप ही की तरफ रहेंगे। दिस कुड वही इंसान आ रहा है जो आपके मन में है ना, वही इंसान आपकी जो आपके मन में है, दिलो दिमाग में है, वही इंसान आपकी तरफ आ रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन की लिंक शायद वर्क नहीं कर रही है, बट इट विल वर्क सून, और बट चल रही है एक्चुअली। काफ़ी लोग रीडिंग प्लेस कर पा रहे हैं। आई डोंट नो कि कभी कभी कुछ शायद प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी, तो वो है। सो थैंक यू यूनिवर्स।